हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वो टाइम आ गया है जिससे आपने बहुत लंबे टाइम इंतजार किया। आपका एग्जाम होने वाला है। आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से चिल होकर सोना है। थोड़ा मुश्किल है बट आपको बैलेंस करना होगा, मैनेज करना होगा कि एग्ज़ाम ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है लाइफ में। ऐसा नहीं कि इसके बाद एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे। और चाहे वो PhD का एग्ज़ाम हो, चाहे PhD के लिए रिटर्न एग्ज़ाम इंटरव्यू हो, और उसके अलावा आपके जॉब के एग्जाम भी हो, तो एग्जाम तो होते रहेंगे। सिर्फ तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपको एक मीन्स जो प्रेशर है ना एग्जाम का, उसको अच्छे से मीन्स मैनेज करने की जरूरत है। और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम हॉल में, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे आपको एक चिल मोड में भी रहना है और आपको एक्टिव मोड में रहना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको है कि जब आप सोने जाओगे तो आपको रिलैक्स होकर सोना है कि जो होगा कल एग्जाम में अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई। तो बिल्कुल किसी बारे में नहीं सोचना है क्योंकि आपने पढ़ाई की अच्छे से, तो आपको रिलैक्स होकर सोना है और उन्हीं पॉइंट्स को कवर करना है जो आपने पढ़े हुए हैं कि मैंने ये भी कवर किया, मैंने ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, तो मेरा एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, मैंने अच्छे से पढ़ाई की। जो नहीं कवर किया है उसको बिल्कुल ही सोचना है, ये रह गया, वो रह गया, जो रह गया रह गया। अभी एग्जाम में सब आपको याद आएगा, ये सोच के चलो। आपको एग्जाम में याद भी आता है यदि आपने जो स्ट्रेटेजी है ना, जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ये आपने सही से फॉलो कर लिया एक बार और आपके कुछ क्वेश्चन हो गए स्टार्टिंग वाले, तो आप बाद में सब कुछ आपको याद आए, आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए। मैं होता नहीं कि एक पावर मीन्स आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाएगी कि आपने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, जो मैं आपको पहले बता भी चुका। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले माइंड को रेस्ट देने की जरूरत है क्योंकि आपकी बॉडी तो एक्टिव रहेगी कि आपके ऊपर एक एग्जाम का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन माइंड एक्टिव तभी रह पाएगा जब माइंड को आप अच्छे से रिलैक्स मोड में रखोगे, और रिलैक्स मोड में रहेगा तभी वो अच्छे से रात को सो पाएगा, ठीक है। आपको निकालना है एग्जाम, मुझे पता है आपको इस बार निकालना ही निकालना है, लेकिन निकाल तभी पाओगे जब अच्छे से सो पाओगे। तो ये भी आप सोच के चलो कि अच्छे से सो पाऊंगा तभी एग्जाम निकलेगा। तो ये जब सोते टाइम जब आप जाओगे तो तब सोच के चलो कि जो भी होगा अच्छा होगा मेरी लाइफ में, बस मुझे अभी अच्छे से सोना है क्योंकि मेरे माइंड को रेस्ट चाहिए। और जितना आप अच्छे से सो के जाओगे एग्जाम में, उतना ही आप वहाँ पे एक्टिवली काम कर पाओगे, एक्टिवली वहाँ पे अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे और क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो बेसिस वाले हों, डायमेंशन वाले हों, सिंगुलरिटी वाले हों, ROC हो, चाहे कोई भी हो, सिंपल लिमिट भी कई बार निकालने में हमें गलती हो जाती है, सिक्वेंस को कुछ से गलती हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे। तो वो कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है, और एक्टिव रहता है तो हम जब क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो सुमित ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन तो आकाश ने भी कर लिया होगा, ये क्वेश्चन सोनाली ने कर लिया होगा, मेरे से नहीं। तो आपको इस तरह नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है वो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। और एग्जाम को आपको एग्जाम मींस क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ पे एग्जाम दो बार में आपको कंप्लीट करना है, आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, अच्छे से समझनी है, और अच्छे से मींस यहाँ पे आपका जो पढ़ाई वाला रोल है ना वो खत्म हो जाता है। अब आपका हो जाता है मेंटली आप कितना स्ट्रोंग हो, इस प्रेशर को, एग्जाम के प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर पाते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम हॉल में आप टाइम को कैसे मैनेज कर जाते हो करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। आई नो सबको पता है कि आपको सबको एग्जाम निकालना है, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए सही तरीका है कि आप अच्छे से सो भी, अच्छे से रेस्ट करो। और एक वीडियो मैंने और अपलोड किया हुआ है, सेकंड फर्स्ट वाला वीडियो, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। तो ये दूसरा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बाय द वे कुछ टॉपिक वहाँ पे रह जाए, यहाँ पे आप कवर कर सकते हो कि आपको आज पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ बैठ के वीडियो देखना है और रिलैक्स रहना है, चिल रहना है, क्योंकि आपको अच्छे से नींद लेनी है। नींद अच्छी आएगी तो आप एक मीन्स आपके माइंड से सब चीज़ें निकल जाएंगी, वो डर निकल जाएगा एग्जाम का। क्योंकि एग्जाम आप ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे हो, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एग्जाम ऐसा नहीं आप पहली बार दे रहे हो, आपने एग्जाम दिए हुए लाइफ में और आपके एग्जाम आगे भी लाइफ में आएंगे। तो ये सिचुएशन आपको हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। इसका सोल्यूशन भी आपके पास ही है कि जब आप सोने जाओ तो दुनिया में क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बोला था आपको कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, बस जितना मैंने पढ़ा है बस वहाँ जाके मुझे इनपुट डाल देना, वहाँ जाके सब कुछ इम्प्लीमेंट कर देना है, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, जितने भी मैं वहाँ पे अप्रोच लगा सकता हूँ, वो आपको अप्रोच वहाँ पे लगा देना, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपने अच्छे से मीन्स कंसेप्ट को आपने अच्छे से जिया है, दिया है और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है,
तो वो कंसेप्ट आपने जब इतने अच्छे से मींस लाइफ में मींस आपने अपने बॉडी के अंदर उनको रखा हुआ है, तो वो निकलेंगे, ऑटोमेटिक निकलेंगे। बस ऑटोमेटिक निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखना पड़ेगा। और आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो दो वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जिससे कुछ पॉइंट्स वहाँ है तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, कुछ चीजें रिपीट भी हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो हो गया है, दो वीडियो आप देख सकते हो। तो बस आपके बेनिफिट के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की। यहाँ पे थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया। यहाँ पे बार बार चीज़ें रिपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम से पहले दिन आपको अच्छे से, और जितना आपने पढ़ा हुआ है अपने आप पे बिलीव करना, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया वो आपको याद रहेगा, ये बात पक्की है। अभी आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे आप घुसोगे सब आपको याद आने लगेगा। और क्योंकि आप बस वहाँ पे स्टार्टिंग वाला फेज, जो स्टार्टिंग का आधा घंटा है ना, या आधा घंटा बोलो या 45 मिनट बोलो, उसको सही से मैनेज करने की जरूरत है। कि वहाँ पे आपने कुछ क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिए, तो बाद वाला तो आप बिल्कुल, फिर तो आप पेपर पे हावी हो जाओगे। फिर पेपर को अच्छे से आप कर सकते हो, अच्छे से निकाल सकते हो, बट स्टार्टिंग वाले टाइम में आपको सही से क्वेश्चन लेने हैं, जो इजी क्वेश्चन है उनको पिक करना है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ किसी दूसरों के बारे में कि एग्जाम का कट ऑफ क्या जाने वाला है, एग्जाम क्या रहेगा, जो आपने टारगेट लेके चले हो आप उसको अचीव करना है। और नहीं हो पा रहा है तो आप 50-50 चांस ले सकते हो, और किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि जो हाई फाई बातें करेंगे, हाई फाई चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप उनको नहीं लेना है। आपके जैसे स्टूडेंट्स ही जेआरएफ निकालते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स ही वहाँ पे नेट निकालते हैं, तो आपके जैसे स्टूडेंट्स ही फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो वहाँ पे लंबी लंबी बातें करते हैं, मेरे हिसाब से वो एग्जाम निकालने नहीं आते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, कभी कभी उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्हीं को वहाँ पे आके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तो वो अपने आप को हल्का फील कराना चाहते हैं कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी हैं फाइट में, ठीक है। तो आपको उन सबसे दूर रहना है। और मीन्स ये मैंने आपको बता दिया कि आप छोटे मोटे आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उनको ले जा भी सकते हो यदि आपको लग रहा है कि वहाँ जाके बैठ के पढ़ना है। अदरवाइज आप वहाँ पे फर्स्ट वीडियो को देखो, आप वहाँ पे सब कुछ मैंने बताया हुआ है। ये सेकंड वीडियो मैंने ऐसे ही बता दिया, बना दिया कि आप देखो, बस आपको जो अच्छा लगे वो आप रखो, मिस आपको वहाँ पे जो एग्जाम है ना, बस उसको आप सही से देख जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी तो सबसे यही उम्मीद है, और मैं यही दुआ करूंगा कि आप सबका एग्जाम इस बार क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि तो बड़ी समस्याओं के साथ इस बार आपने पढ़ाई की है, इतना कोरोना वायरस सब कुछ आपने इतना सब कुछ झेला है इस बार एग्जाम के लिए, और आप फाइनली एग्जाम देने जा रहे हो। कल भी बड़ा समस्या है, अभी भी बोल रहे हैं स्ट्राइक होगा, ये होगा, और एग्जाम कैंसिल भी हो गया दो जगह, तो इतनी सारी समस्याओं के बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रोंग होना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड वीडियो बना रहा हूँ कि इतनी समस्याओं के बाद एग्जाम आप दे रहे हो, तो जो वहाँ पे एग्जाम इतनी सारी समस्याओं को हैंडल करते हुए जो एग्जाम हॉल में, तो वो 3 घंटे को मैनेज कर लेगा सही से, वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। अदरवाइज फिर आपको फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। बेटर है कि आप दुनियादारी के बारे में सोचना बंद करो, और किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा है ये सब सोचना बंद करो, सिर्फ आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको सही से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और सही से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एग्जाम हॉल में, और सही से कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है एग्जाम हॉल में, इस पे वर्कआउट आप करो, ठीक है। दो वीडियो हैं, दो वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सेम कंटेंट हो गया शायद, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ पे है कुछ टॉपिक वहाँ पे है, तो आप दोनों वीडियो को कम्प्लीट देख सकते हो। और विश यू ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो, आप जीतोगे, क्योंकि आपने मन से पढ़ाई की है, आपने ईमानदार से पढ़ाई किया है, आप 100% सफल होगे। बस वो 3 घंटे आपको सही से मैनेज कर, तो मैं यहाँ पे दो वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश, और विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।